नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक महान शक्ति पंजाब की हैं, जो परमजीत जी हैं। परमजीत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप एक नेशनल अलायंस करके चलाते हैं, वो क्या नेशनल अलायंस है? और आप पंजाब से बाबा साहब के सिर्फ दर्शन करने मात्र आए हैं, तो क्या है वो सारी चीज़ें बताएं जरा। जो मैं परमजीत सिंह कैंथ था, तो प्रेजिडेंट नैशनल शेड्यूल कास्ट अलायंस था जी। अज असी बाबा साहब अंबेडकर पुष्पांजलि भेंट कर आए हैं इतने, कि भी बाबा साहब ने साढ़े समाज लिए नहीं, सारे देश लिए, वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ किया है। सानू लोड़ है कि असी उन्होंने जिहड़ी विचारधारा है, उन्होंने थॉट है, उन्होंने प्रचारीए और लोगों के इस गल जन जन तक पहुँचाइए कि उन्होंने जिहड़ी कीती हुई इन्नी वड्डी घालना है, स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल नू लोगों तक लैके जाइए। क्योंकि साडे समाज का यह दुखांत रहा है कि उन्होंने जिहड़ियां गल्लां ने असी लोगों तक प्रचार दे नहीं, सिर्फ दो दिन तक अपने आप को सीमित करके रख लेता। या तो असी 14 अप्रैल में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मतिथि मनाने, या फिर असी 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस मनाने, उस तो अगे असी कदे नहीं कुछ करना चाहते। सानू लोड़ है कि बाबा साहब ने जिहड़ा अपनी जिंदगी इन मजलूमों के लिए, इन शेड्यूल कास्ट पछड़ियां के लिए और देश लई काम किया, असी उस काम दे लई उन्हां लोगों तक लैके जाइए, तां जो उन्हां दी जिहड़ी विचारधारा है वो लोगों तक पहुँचे और उन्हां तो जाणू हो के जिहड़ियां ताकतां बाबा साहब अंबेडकर नूं क्रिटिसाइज़ करदियां ने, कंडैम करदियां ने, उन्हां ताकतां नूं दसीए कि बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत कुछ किया है, देश लई किया, कौम लई किया, समाज लई किया, लेकिन कुछ समाज के जिहड़े लोग ने वो अपने स्वार्थां दे लई बाबा साहब अंबेडकर नूं जिहड़ा इग्नोर करन दी कई बार कोशिश करदे ने, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का जिहड़ा कद है वो इन्ना उच्चा है कि उन्होंने जिहड़े छिटपुट नेता ने उन्हां दे सामने कितने नज़र नहीं आते। तो सानू लोड़ है कि असी बाबा साहब अंबेडकर की जिहड़ी विचारधारा वो लोगों विच लैके जाइए। और जिहड़ा कारवा उन्होंने शुरू किया सीगा जदों साइमन कमीशन भारत आया सी, उदों सानू जिहड़ा सैपरेट इलैक्टोरल का जिहड़ा ब्रिटिश गौरमेंट तो अधिकार मिलिया सी, लेकिन महात्मा गांधी ने उसके उत्ते मरण वर्त रख के वो साडे तो जिहड़ा वो हक जिहड़ा वो खोह लिता, जिहदे कारण अज भी साडा समाज है जिहड़ा वो पंगू है, वो लंगड़ा है। क्योंकि अज साडे जिहड़े मैंबर पार्लियामेंट ने और विधानसभा के मैंबर ने, वो साडे हितों की कदे गल नहीं करते। पार्लियामेंट के विच वो उन्हां दी गल करदे ने जिस पार्टी के नुमाइंदे वो चुन के आउंदे ने, लेकिन जदों के चाहिए कि वो समाज के हितों लई खड़न, समाज के हितों की रक्षा करन, क्योंकि समाज के विच एट्रोसिटीज़ दीआं घटनावां ने, बलात्कार अटैम्प्ट हुंदे ने, होर जिहड़ियां जिहड़ियां उन्हां नाल इनजस्टिस हो रहा, उन्हां नाल डिस्क्रिमिनेशन हुंदी है, वितकरा हुंदा, उहदे बारे संसद के विच कदे चर्चा नहीं हुंदी। चर्चा उदों हुंदी है जदों समाज उठ के खड़ा हुंदा। पिछले जदों 2 अप्रैल नूं सारे देश दे विच, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम तो जिहड़ा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नूं जिहड़ा डैल्यूट करन दी उन्होंने कोशिश की, लेकिन जदों समाज निकल के आया सड़कां ते तो उन्होंने ये गल नूं दस दिता कि समाज जिहड़ा जागरूक है और अपने अधिकारां दे लई हमेशा संघर्षशील है, लेकिन जिहड़े साडे नेता ने साडे समाज विच्चों चुन के जांदे ने, लेकिन वह साडे हितां दी गल नहीं करदे, जदों कि उन्हां नूं साडे हितां दी गल करना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 334 दे विच सानूं जिहड़ी है वह राजनीतिक तौर पर बराबरता मिली है, उहदे विच प्रतिनिधता मिली है कि असी संसद विच जाइए, असी विधानसभा च जाइए, असी पंचायत समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समितियां च जाइए, लेकिन वो साडे हितों की इस करके गल नहीं करते कि जिस पार्टी तो असी चुन के आए हैं वो अगले बार साडी जिहड़ी अगर असी उन्हां दे हितों की गल करांगे तो चुन के आए नुमाइंदे जिहड़े इस गल तो घबराउंदे रहिंदे ने कि भी असी मुड़ के सानू इलैक्ट नहीं होवांगे, लोग सानू वोट नहीं पाउणगे या पार्टी सानू टिकट नहीं देगी। लेकिन इन्हां नूं इह गल्लां दे भवजल चो बाहर निकलना चाहिए और समाज के लिए जिहड़ा वो अगे आना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। आप थे परमजीत जी, जिन्होंने पंजाब से चलकर आए हैं और जिनके दिल में इतना सारा दर्द है और जो बहुजन समाज के लिए बहुत सारा काम करते हैं। बाबा साहब की बातों को सुनना, समझना और उनको पढ़ लेंगे तभी समझ में आएगी। और बाबा साहब ने पर्टिकुलर किसी धर्म जाति के लिए काम नहीं करा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे धर्म जाति संसार के लिए काम करा है, पूरे भारतवर्ष के लिए काम करा है। और उनको उनका ये जो कारवा है, उनका जो मिशन है, वो रुकना नहीं चाहिए और इसके लिए खास तौर से SC OBC के लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर जिस दिन ये समाज जाग गया उस दिन बहुजन समाज में एक नई क्रांति आएगी और इस देश के अंदर परिवर्तन की लहर को कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे चैनल से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी धन्यवाद।